नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। पूरे देश में कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इम्यून हो सके, लेकिन वैक्सीनेशन के दरमियान ऐसी घटनाएं हो रही है जो काफी चौंका देने वाली होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लोगों को दूसरे लोगों के नामों से मैसेजेस आते हैं कि आपका पहला डोज का टीकाकरण हो गया है, दूसरे डोज का टीकाकरण हो गया। इसी तरह की कई खबरें आपने देखी होगी कि किसी व्यक्ति की जगह दूसरे ने टीका लगवा लिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक महिला एक हाथ में कोविशील्ड का टीका लगवा लेती है तो दूसरे हाथ में उसे कोवैक्सीन का टीका उसी दिन में दे दिया जाता है। लेकिन अभी एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो बिहार का ही है और इस वीडियो में एक युवक है जिसे वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन सिरिंज के भीतर कोई दवाई ही नहीं है, कोई वैक्सीन है ही नहीं। आप एक बार ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर छपरा की है जहां पर टीकाकरण कराने आए युवक को एएनएम ने बिना वैक्सीन लोड किए ही इंजेक्शन दे दिया। युवक भी खुश होकर अपने घर लौटा, लेकिन जब उसके मित्र द्वारा बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ उसने देखा तब उसके होश उड़ गए, क्योंकि एएनएम ने जो किया था वो काफी चौंका देने वाला था। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एएनएम जो है वो उसको वैक्सीनेट कर रही है, लेकिन सिरिंज में कोई भी दवाई नहीं है, ना ही कोविशील्ड ना ही कोवैक्सीन। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि हवा भरकर उसे वैक्सीन दे दी गई। हवा से कोरोना का इलाज क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जितने भी कर्मचारियों को तैनात किया गया है ये कहा गया है कि उन्हें पहले ट्रेंड किया गया है वैक्सीनेशन को लेकर और कोरोना का टीका लगाया जाए उसको लेकर उन्हें ट्रेन किया गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो एएनएम वैक्सीन दे रही है वो अपनी बातों में ही मशगूल है। आप एक बार स्लो मोशन में देखिए, हम धीरे धीरे करके आपको वीडियो दिखाएंगे कि पहले इन्होंने जो इंजेक्शन है, जो सिरिंज है, उसे खोला है उसके पैकेट को, फिर जाकर रुई हाथ में ली है, रुई को मला है और सीधे बिना दवा लोड किए, बिना उसमें वैक्सीन डाले उस युवक के बाह में वैक्सीन डाल दी जाती है, उस सिरिंज को डाल दिया जाता है बिना किसी दवाई के, बिना किसी वैक्सीन के। तो समझिए ऐसे में कोरोना कैसे जाएगा, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि उसके बाद क्या परेशानियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप ये समझिए कि उस सिरिंज के भीतर केवल वैक्यूम था जिसे उस व्यक्ति के शरीर के अंदर छोड़ दिया गया, उसकी वजह से परेशानियां उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन किसी को भी कोई खबर नहीं थी कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तब जाकर उन युवकों से भी पूछताछ की गई। आप उसकी बात सुनिए जिसे इस तरह से इंजेक्शन लगाया गया है, नाम अजहर बताया जा रहा है, अजहर हुसैन की। आप बात सुनिए कि उसने क्या कुछ कहा है। नाम क्या आपका? अजहर हुसैन। अजहर जी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है वैक्सीन लेते हुए, आखिर मामला क्या है? मामला यही है, जब हम सुई ले रहे थे तो उसमें दवाई नहीं डाला गया, केवल फाड़ के ही दिला गया हमको सुई। आपको कैसे पता चला कि दवाई नहीं डाला गया उसमें? शाम को जब देखे लोग बढ़िया से उसको वीडियो को, तो वही पता चला कि नहीं दिला है सुई। वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो मेरा दोस्त बना रहा था। फिर जब पता चला कि आपको वैक्सीन नहीं दिया गया है, आप किसी से कंप्लेन किए इसके बारे में? अभी तो कंप्लेन हुआ नहीं है, केवल एफबी पे छूटा है। तो आपने अजहर हुसैन को सुना, लेकिन अजहर हुसैन के साथ उसका एक दोस्त अमन खान भी वैक्सीनेशन के लिए गया हुआ था। आप उसकी भी बातें सुनिए कि आखिरकार क्या उसके साथ भी ऐसा हुआ था और इस पूरे सीन को जो उसने देखा है वो इस बारे में खुद ही बता रहा है। क्या हुआ आपका? मेरा नाम अमन खान है। आपका दोस्त वैक्सीन लिया? हाँ। उसने बताया कि आप वीडियो बना रहे थे? हाँ जी, हम ही बना रहे थे। तो क्या देखे वीडियो में, कैसे पता चला कि उसको वैक्सीन नहीं दिया गया? जैसे जब हम वीडियो बना रहे थे तब हम उसको नहीं, मतलब वीडियो पे नहीं देख रहे थे। जी जी। हम उसका रिएक्शन देख रहे थे कि उसका रिएक्शन कैसा होता है, मतलब क्या होता है। जी जी। तो उस टाइम ध्यान नहीं दिया, जब शाम को हम लोग ऐसे ही चेक कर रहे थे ना स्टेटस की कौन क्या लगा है, वही स्टेटस पे देखे हम उसको, तो उसमें देखे कि बस वो ऐसे ही डिस्प्रिन जो होता है वो फाड़ के ऐसे ही लगा दी, उसमें वैक्सीन नहीं था। तो आपने पीड़ित युवक की बात सुनी, अजहर हुसैन नाम है, बिना इंजेक्शन के भीतर दवा लोड किए, बिना वैक्सीन डाले ही
उसको इंजेक्शन लगा दी जाती है। आप ये समझिए कि हवा भरकर शरीर में छोड़ दी जाती है, इंजेक्शन में हवा भरकर उसके शरीर के भीतर डाल दिया गया है, परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। आपने युवक की भी बात सुनी, सर दर्द होता है, परेशानी हो रही है, और ये भी हो सकता है कि हैवॉक की वजह से उसे परेशानी हो रही हो, क्योंकि अभी कोरोना वैक्सीन लेना नहीं लेना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कितने लोग तो इसको लेकर जागरूक भी नहीं है। जो लोग वैक्सीन लेने जा रहे हैं उनके साथ तरह तरह की घटनाएं हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। छपरा का ये वीडियो है, अब देखने वाली बात ये होगी कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। जो युवक जिसे बिना दवा के ही वैक्सीन कहकर लगा दिया गया है इंजेक्शन, उसके साथ आगे क्या होता है, क्या उसे पहली डोज मिल पाती है या फिर उसे कभी वैक्सीन मिलती ही नहीं है, और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उस ANM पर क्या एक्शन लिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।